वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे का ही वीडियो है और यहाँ पर बस सुबह घर के सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम जो है मैंने कंसीलर का भी यूज़ किया है। तो मुझे जाना था अपनी क्लास के लिए, तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और फेस पाउडर मैंने यहाँ पर अभी लगाया है क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, तो थोड़ा सा फेस पाउडर लगाना ज़रूरी होता है यहाँ पर। उसके बाद मैंने लगाई है लिपस्टिक और जब मैं वापस आई ना तो ये सारा मेकअप धुल चुका हेलो था। एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हालात देख रहे हो, गर्मी के मारे बहुत बुरी कंडीशन है और मैं बस अभी अभी आई हूँ अपनी क्लास करके। आज ना मेरी 1 घंटे की क्लास थी, मतलब मैं ना कल नहीं गई थी अपनी ड्राइविंग क्लास में, तो आज मेरी 1 घंटे की क्लास थी और मैं बिना नाश्ता किए घर का काम करके फटाफट ऐसे भागी हूँ ना। और अब ये देखो, पसीने से हालत बिल्कुल ख़राब है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसे मतलब जानलेवा गर्मी होती है ना वो हो रही है। कहीं से भी बादल नहीं दिख रहे, उम्मीद ही नहीं है कि बारिश होगी। और बहुत तेज़ भूख लग गई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भई जो है 1 कप चाय पी थी मैंने और 11:30 बजे मेरी क्लास थी ना, तो इस वजह से। तो अभी आ गई हूँ घर और पहले पीऊँगी पानी, उसके बाद आज लंच ब्रंच सब एक साथ ही हो गया है, फिर अपना जो है खाना वाना खाऊँगी और उसके बाद फिर वही बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही है पूरा रूटीन। तो चलिए पहले पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने पहले पिया पानी और उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना लंच ब्रंच सब एक ही साथ कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाते खाते जो है वही मुझे 12:30 जो है बज चुके थे। तो फिर ये था कि बस दोपहर में अभी बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। तो सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी, तो बस वही मैं खाऊंगी। और मुझे भिंडी की सब्ज़ी रोटी के साथ ना आम का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम पे ना मेरा मन कर रहा था कि 1 कप चाय और हो जाती ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन वही था कि गर्मी से इतनी ज़्यादा मैं थक के आई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने लिए चाय बना सकूँ। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो है ना ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तो 2:15 बज चुके हैं दोपहर के और मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए। मैं व्लॉग की एडिटिंग करने बैठ गई थी, आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा था जो कि दूसरे चैनल पे जाना है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और बाहर जो है ना तूफान का मौसम हो गया है, मतलब मौसम का भी कोई ईमान धर्म नहीं है। सुबह तक धूप निकली हुई थी, अभी इतना तेज़ बारिश आंधी तूफान का सिर्फ मौसम हो रहा है, अभी हुई नहीं है। और लंच वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। विधांश ने बोला था शाही पनीर खाने के लिए, तो ये देखिए शाही पनीर का जो मसाला होता है वो मैंने रेडी कर लिया है। पहले मैं जा रही हूँ बच्चों को आने के लिए क्योंकि उनकी बस आने वाली होगी, फिर जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं फटाफट से उनके लिए शाही पनीर बना दूंगी क्योंकि इसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। पहले सोच रही हूँ छाता ले जाऊं या ना ले जाऊं, चेक कर लेती हूँ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, रिमझिम सी लगी हुई है। एक छाता ले जाती हूँ, दोनों के काम आ जाएगा। एक ही छाता ले जाती हूँ बस, और वैसे भी जब बारिश होती है ना उन्हें भीगते हुए आने में ज्यादा मजा आता है। तो चलिए लेकर आते हैं पहले बच्चों को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को लेने गई और उसके बाद मैं फटाफट से घर आई हूँ। शाही पनीर का जो भी मसाला होता है, मतलब वो जो प्याज टमाटर सब कुछ पीसना होता है ना, काजू वगैरह, वो मैं पहले ही पीस कर चली गई थी क्योंकि शाही पनीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और बस घी में वो जो मैंने प्यूरी बनाई थी सारी चीज़ों की वो ऐड कर दी है। इसको जो है हम अच्छे से भूनेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। गरम मसाला तो मैं अवॉइड ही करती हूँ पूरी तरीके से, तो सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता है लेकिन इतनी गर्मियों में मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। और जो धनिया पाउडर मैं लेकर रखती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मिला होता है। उसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको अच्छे से भूना है और अब इसमें जो है मलाई डाल देंगे, तो मलाई से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। मलाई डालने के बाद फिर से इसको पकाना है जब तक कि इसमें से घी जो है वो अलग नहीं हो जाता। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है मैंने पनीर। तो एक पैकेट ही मैंने पनीर जो है मंगाया था क्योंकि मुझे सिर्फ दोनों बच्चों के लिए ही बनाना था। तो बस यहाँ पर जो है पनीर ऐड करने के बाद इसको 1-2 मिनट तक और पकने देंगे। वंशिका बोल रही है मम्मा बाहर बिल्कुल शाम हो गई, और वाकई यार हाँ कितना अच्छा हो रहा है, सुकून भरा मौसम। अंधेरा हो गया है सच में, मतलब कैमरे में तो फिर भी उजाला सा दिख रहा है लेकिन वाकई मौसम बहुत अच्छा हो गया है। खुश हो गई मौसम देख के, पर अभी ट्यूशन जाना है तो
छाता लेके जाना, ठीक है? और आते हुए भीगते हुए आना। ठीक है, अगर बारिश रही तो भीगते हुए आ जाना, ठीक है वेदांश? हाँ चलो खाना खा लो, बस बारिश का वेट है, तेज से बारिश आ जाए ना मज़ा आ जाए। आप नज़र लगाना बंद करो। नज़र नहीं लगा रही। तो यहाँ पर शाही पनीर जो है ना बन के रेडी हो गया है। ये 24 घंटे तुम लोग ना लड़ाई क्यों करते रहते हो? मुझे उठा रहा है। वेदू मत उठा, ऐसे दर्द कर रहा है। बस बस रहने दे, हो गया। कैसी बनी है वेदांश? अच्छा से नहीं बोला तूने। कैसी बनी है वंशु? वेदांश बहुत अच्छी है, खुश हो गया? आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा इवनिंग के वक्त, और बस यहाँ पर सबसे पहले मैं कपड़े जो है ना वो लगाने आ गई हूँ। और दोपहर में आपने मौसम देखा कितना ज़्यादा काला घना बादल आया था। मैं सच बताऊँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, और उसके बाद जो गर्मी हुई है ना मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना ऐसे मौसम को देख के कि ऐसा लग रहा था कि इससे तो धूप ही रहती ना तो वही सही रहता। क्योंकि जब बादल लगते हैं ना एक आस बन जाती है कि अब बारिश होगी, और वो हल्के से जो छींटे पड़ते हैं ना उससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो दोपहर में तो मैंने फिर इसीलिए ही जो है कपड़े भी नहीं लगाए थे, उसके बाद ये इवनिंग टाइम पे जो है मैंने कपड़े लगाए, और ये बेडशीट वगैरह जो है मैंने धोई थी, बेडशीट और एक ब्लैंकेट, तो बस उसको भी जो है मैं अभी सूखने के लिए डाल दूंगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक डेढ़ घंटे में जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है सूख जाएंगी क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। और बस उसके बाद फिर मैं आई हूँ अपने इस वाले रूम में। तो ये रूम वैसे तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना आजकल कपड़े वगैरह सब यहीं पर रखती हूँ, जैसे सूखने के बाद जो कपड़े आते हैं ना वो मैं इस वाले रूम में रख देती हूँ। बस इसी को ही जो है मुझे ठीक ठाक करना था, समेटना था, तो सारे कपड़ों को जो है मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और मैं जिस टाइम पे अपनी क्लास जा रही थी उस टाइम पे आपने देखा होगा कि मैं कुर्ती डाल के गई थी, लेकिन मुझे इन कुर्तियों में सूट में ना बहुत गर्मी लगती है क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है घर में इस तरीके से सूट पहन के रखने की। मुझे ना ये टी शर्ट और लोअर ही कम्फर्टेबल लगते हैं बहुत ज़्यादा, पहले मुझे इनकी आदत नहीं थी, लेकिन जब से जैसे टी शर्ट वगैरह पहनने लगी हूँ ना तब से मुझे यही अच्छे लगते। तो बस मैंने जो है घर आते ही कपड़े जो है ना चेंज कर लिए थे, और यहाँ पर जो है सारे कपड़े अरेंज करने के बाद फिर मैं चली गई थी रोटी बनाने के लिए। तो ये मैं शाम की रोटियाँ बना रही हूँ, इससे पहले मैंने वंशिका का जो है डिनर करा दिया था क्योंकि उसकी जो है दवाई चल रही है तो उसको मेडिसिन खानी होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ वेदांश के लिए रोटी बना रही हूँ, और सब्ज़ी तो मुझे कुछ बनानी नहीं थी क्योंकि दोपहर में ही मैंने जो है ना शाही पनीर जो है बनाया था, तो दोनों बच्चों के लिए वो जो है ना हो गया था। और रोटी आज थोड़ा सा जल्दी मैं इस वजह से भी बना रही हूँ क्योंकि मेरा ये था कि मैं फिर उसके बाद ना एक घंटे की वॉक पे जाऊँगी, थोड़ा सा जो है मेरा मूड ख़राब था मैं सच बताऊँ तो। और कभी कभी होता है ना कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ऐसे मेरे साथ कई बार होता है, तो आज भी कुछ ऐसा सही था। तो बस मैंने यहाँ फटाफट से काम किया और फिर मैं चली गई थी अपना वॉक वगैरह करने, थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हुआ जब मैं बाहर गई, और फिर मैं आई हूँ घर में। और बस यहाँ पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, ये हैं तो ये डिनर के ही बर्तन, तो सारे बर्तन वगैरह मैं अभी धोऊँगी, किचन विचन क्लीन करूँगी। मतलब मैं ना रोटी बना के सीधे चली गई थी क्योंकि माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती है कभी कभी जो आपके घूमती रहती है। तो बस ये था कि थोड़ा सा मुझे अकेलापन चाहिए था तो इस वजह से मैं चली गई थी। तो बस उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, फटाफट से जो है मैंने बर्तन वर्तन धोए, और बाकी बच्चों को डिनर तो मैं करा ही चुकी थी तो उसकी टेंशन थी नहीं। और बस अभी अपना किचन विचन क्लीन करूँगी और फिर हम लोग सो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट जो है बच्चों का स्कूल है, तो वही कोशिश रहती है कि 9:30 तक जो है किसी भी हाल में सारा काम निपट के और हम लोग सो जाएँ। 9:30 जैसे सो जाते हैं ना तो सुबह बच्चों की नींद भी एकदम परफेक्ट टाइम पे खुलती है, और मुझे भी जो है उठने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपनी हॉप जो है वो अच्छे से कर ली है क्लीन। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आज सुबह,
तो टिफ़िन वगैरह बच्चों का जो है मैंने रेडी कर दिया था। अब बस वंशिका के बाल बनाने रहते थे। बहुत दिन से वंशिका की दो चोटी मैंने नहीं की थी, वरना मोस्टली जो है स्कूल में उसको दो चोटी करके ही भेजती हूँ, लेकिन जब कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो फिर उस दिन एक ही चोटी बनती है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो बस यहाँ पर जो है मैंने वंशिका की दोनों चोटी करी और उसके बाद फिर मैं ही जो है दोनों बच्चों को ड्रॉप करने के लिए चली गई थी। तो ये होता है कि थोड़ा सा मेरा भी जो है मूड ठीक हो जाता है, थोड़ा सा वॉक करने को भी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी दो चोटी मैंने कर दी है, और लड़कियाँ ना दो चोटी में बहुत सुंदर लगती हैं ना स्कूल जाते हुए स्पेशली। और बस यहाँ पर वेदांश के भी मैं बाल वगैरह बना दूँगी। और ये आलसी देखो अभी ये सॉक्स पहन रहा है, उसके बाद मैंने इसको कितनी देर से मैं इसको बोल रही थी, लगभग 3-4 मिनट से, कि बेटा शूज़ पहन ले शूज़ पहन ले। ये क्या करता है कि शूज़ हाथ में लेगा और ये देखो इसकी गप्पे शुरू हो जाएगी, इसकी गप्पे ही ख़त्म नहीं होती है। इसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई तेरे हाथ में शूज़ है उसको पहन ले। लगभग 3 से 4 मिनट बाद इसने अपना ये एक शूज़ पहना है। बस उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, और बस मैं भी यहीं पर जो है वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।